तेहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे शरीरी इस शरीर में बाल यौवन तथा वृद्धावस्था से गुजरता है, वैसे ही ये अन्य शरीर को प्राप्त होता है, इस कारण धीर मोहित नहीं होता। हरिओम। राजा जनक को एक बार सपना आया कि वो भयंकर भिखारी, भूखे भिखारी बन के तड़प रहे हैं। सुबह जागे तो देखा कि वो तो राजा है। वो सपना इतना रियल था उनके लिए कि उन्होंने सोचना शुरू किया कि वो राजा जनक था जिसने भिखारी का सपना देखा, या वो भिखारी है जो इस समय राजा का सपना देख रहा है। ये सच या वो सच? क्या वो राजा है जिसने भिखारी का सपना देखा, या वो भिखारी है जो राजा का सपना देख रहा है? ज्ञानियों ध्यानियों को बुलाया गया, तभी अष्टवक्र को बुलाया गया। अष्टवक्र की कहानी अपने में ही महान है। आठ वक्र थे उनकी बॉडी में, उनके शरीर में आठ डिफॉर्मिटी थी। जब वो पहुंचे तो लोग उनको देख के हंसने लगे। राजा जनक ने देखा सब हंस रहे हैं, तो अष्टवक्र ने बड़े भयंकर शब्द बोले जो मैं बोल नहीं सकता यहां पर। राजा जनक ने कहा, ये क्यों बोल रहे हो? कहते, सब मेरी चमड़ी तो देख रहे हैं, तो क्या हो गया? नाउ पूछा गया प्रश्न अष्टवक्र, ये बताओ क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? सब ब्राह्मणों ने प्रश्न पूछा, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? अष्टवक्र ने कहा, पहले मैं जाएगा, फिर तुम जाएगा। जनक ने कहा, मंशा क्या, क्या कहना चाहते हो? अष्टवक्र ने कहा, पहले मैं जाएगा या अहंकार जाएगा? ये संसार अहंकार से बना हुआ और कुछ नहीं है, और वो टूटता, वो दुख होता है। दुख कुछ नहीं है, सिर्फ अहंकार है। और यह अहंकार का डर है हमें। आपकी क्लास में से 50 में से 45 नंबर आए, सुख है दुख है? ज्यादातर बोलेंगे सुख है, लेकिन सारी क्लास के 50 में से 50 आए, अब दुख है। बाकी सारी क्लास फेल हो गई, अब आपके 45 नंबर आए, अब क्या है? सुख है। सो सारा सुख और दुख अहंकार है और कुछ नहीं है। औरों के पास है, मेरे पास नहीं है तो दुख है। औरों के पास है, मेरे पास भी है तो न सुख है न दुख है। औरों के पास नहीं है, मेरे पास है, सुख है। औरों के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है तो न सुख है न दुख है। औरों के पास भी है, मेरे पास भी है, न सुख है न दुख है। औरों के पास नहीं है, मेरे पास है, सुख है। ये दिस इज लाइफ। आपको सुख है कि आप सांस ले रहे हो? कोई सुख नहीं है, क्योंकि सब ले रहे हैं। आपके पास सुख है कि आपके पास टेलीविजन है? कोई सुख नहीं है टेलीविजन का, क्यों? सबके पास है। लेकिन आज से 40 साल पहले लोगों के घर में जब टीवी आता था, लोग पार्टी करते थे। लोग क्यों? सुख था, मेरे पास है, औरों के पास नहीं। तो सारा जमावड़ा अहंकार है। अष्टवक्र ने कहा, पहले मैं जाएगा, अहंकार जाएगा, फिर सुख आएगा। तो तोड़ है अहंकार, ईगो को। ब्रह्म ज्ञानी में ईगो नहीं है। मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड, गॉड प्लस ईगो इज इक्वल टू यू एंड आई। हम क्या हैं? ईगो है। तो मृत्यु जो होती है वो शरीर की होती है, लेकिन ये मन बुद्धि चित्त अहंकार में वासनाएं तमन्नाएं लालसाएं ईगो भरी भरी, इसका नाश नहीं होता। इसका नाश हो जाए तो मोक्ष है, इस कामनाओं का नाश हो जाए तो मोक्ष है। लेकिन ये कामनाएं कंबख्त कामनाएं शरीर के छोड़ने मरने के बाद छूटती नहीं है। और यह देही शरीरी अंतकरण दूसरा शरीर धारण करती है। कौन सा शरीर धारण करेगी? जैसी उसकी प्रवृत्ति है। यह बात आज हम शुरू करते हैं। तो श्लोक नंबर 13 में भगवान जी कहते हैं, जैसे शरीरी शरीर में बाल यौवन वृद्ध अवस्था से गुजरता है, वैसे ही
इस शरीर को छोड़ के नए शरीरों को प्राप्त करता है। प्लूरल में यूज किया गया। तो कौन सा शरीर मिलेगा आपको, कौन सी बॉडी मिलेगी? जैसा आपका थॉट है, जैसा आपका थॉट है, तो जो थॉट है वैसा संसार बन जाता है। यदि आपके थॉट में गोल्फ है तो आपको गोल्फ का संसार मिल जाएगा। आपके थॉट्स में बिजनेस है तो बिजनेस का संसार मिलेगा। आपके थॉट्स में जॉब है तो जॉब का संसार मिलेगा। आपके थॉट में एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का माहौल मिलेगा। जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत तिन देखी वैसी। तो ये संसार किसने बनाया? आपकी वासनाओं ने। तो जैसे शरीर छोड़ता है वैसे मन बुद्धि नए शरीर को धारण करते है। इसको मैं समझाता हूं। ये गलत धारणा है कि मरने के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। श्लोक नंबर 11 से 30 तक भगवान जी ने एक जगह भी आत्मा शब्द यूज नहीं किया। प्लीज समझिए, इफ यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑल राइट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑल राइट, बट डोंट मिसअंडरस्टैंड द फिलॉसफी। संस्कृत में एक बार भी भगवान जी ने आत्मा शब्द यूज नहीं किया। और गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुढ़ा केशा सर्वभूतश्च यस्थिता। मैं आत्मा, भगवान कहते हैं मैं आत्मा, और भगवान सर्वव्यापी है। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भगवान कहते हैं मैं आत्मा, अहम आत्मा गुढ़ा केशा सर्वभूतश्च यस्थिता। अध्याय 10 श्लोक नंबर 20 में डंके की चोट पे बोले कि मैं आत्मा। और भगवान यदि आत्मा है और भगवान सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी मीन्स ऑल परवेसिव, ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जाएगा? ये घड़ी यहाँ है, यहाँ से यहाँ आई तो यहाँ नहीं है, यहाँ से यहाँ आई तो यहाँ नहीं है। जो चीज सर्वव्यापी है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। कहाँ जाएगी? जहाँ ऑलरेडी है नहीं। भगवान जी सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशियंट है। जो चीज सर्वव्यापी है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। तो ये कह देना मरने के बाद आत्मा भटक रही है, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, उसकी आत्मा को दूसरी आत्मा में मिल गई है, उसकी आत्मा दूसरे शरीर में चली गई, ये सिर्फ मिथ है। गीता जी में कहीं भी आत्म शब्द इस्तेमाल नहीं किया। 11 से 30 तक आई कैन चैलेंज एनीबॉडी। जनरल सेंस में बोल दो दैट्स ऑल राइट, बट नॉट इन स्पेसिफिक सेंस। सो है क्या? देही शरीरी नाम, शरीरी, तीन शब्द इस्तेमाल करें। तो मैं समझाता हूं है क्या। ये जो शरीर है हमारा कटोरी की तरह इमेजिन कीजिए, और जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो पानी की तरह, और जो प्रभु है आत्मा है वो सूरज की तरह। सूरज की रोशनी सर्वव्यापी है, सूरज की रोशनी सर्वव्यापी है। इमेजिन कीजिए मेरी एक कटोरी है, कटोरी में पानी है और उस पानी में सूरज का प्रतिबिंब नजर आता है। सिंपल। दूसरी कटोरी है उसमें पानी नहीं है, सूरज का प्रतिबिंब नजर नहीं आता है, तो उसमें भी लेकिन दिखता नहीं। घट घट मेरा साइया सूना घट नहीं कोय, बलिहारी उस घाट की जाघट परघट होए। घट घट मेरा साइया सूना घट नहीं कोय, बलिहारी उस घाट की जाघट परघट होए। परमात्मा ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है, लेकिन वो प्रगट कहां होता है? जहां पे मीडियम हो। तो ये जो शरीर है हमारा ये कटोरी की तरह, परमात्मा सूरज की तरह, और ये जो पानी है मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और इस पानी में सूरज का रिफ्लेक्शन है जिसे जीवात्मा कहते हैं, जिसे जीवात्मा कहते हैं। अब मैंने क्या किया, इस कटोरी से पानी इस कटोरी में डाला, इस कटोरी से पानी इस कटोरी में डाला, अब यहां से पानी चला गया ना, अब यहां पे सूरज का प्रतिबिंब नजर नहीं आ रहा। इस दूसरी कटोरी में सूरज का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। अब आप ये नहीं बोलोगे सूरज यहां आ गया, सूरज ऑलरेडी वहां था लेकिन अब दिख रहा है। घट घट मेरा साइया सूना घट नहीं कोई, बलिहारी उस घाट की जाघट परघट होए। सो जो आत्मा है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। देह पंच महाभूतों का यही रह जाता है, अग्नि अग्नि में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी, वायु वायु में मिल जाती है, क्योंकि फिजिक्स का लॉ है एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। लेकिन ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार वासना तमन्ना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जिसे हम कहते हैं,
ये जो बाहर है ये स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, तो ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है ये दूसरा शरीर धारण करते हैं। अब बाय द वे कौन सा शरीर धारण करेंगे, जैसी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। यदि आपकी इच्छा कामना की है तो कामनाओं के माहौल में जन्म होगा। भगवान जी कहते हैं पांच घरों में जन्म होता है, शुद्धात्मा श्रीमान योगियों के घर, आएंगे छठे अध्याय में बताते हैं। तो यहां पे मृत्यु क्या है, मन बुद्धि शरीर यौवन आदि स्थिति से निकलता निकलता नए शरीर को प्राप्त हो जाता है। कौन सा शरीर प्राप्त होगा, जैसे आपकी डिजायर हो। सो लिसन मी केयरफुली, यू चूज योर ओन पेरेंट्स। आप अपने माँ बाप, अपना परिवार, अपना शरीर, अपना देश, अपना माहौल, अपना मोहल्ला खुद चूज करते हो अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। अब ये डिजायर चेंज होती रहती है, आपका माहौल बदल जाता है। जिस आदमी की वासना चिंत अंतकरण निर्मूल होगी, जिसकी डिजायर पूरी खत्म होगी, जिस व्यक्ति की कामना पूरी खत्म होगी, वो मृत्यु के बाद जन्म नहीं लेता, उसको मोक्ष कहते हैं। वो व्यक्ति इस जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं लेता, क्यों, क्योंकि उसने अपनी डिजायर को पूरी तरह से निर्मूल कर दिया। और जब आपने अपनी डिजायर को निर्मूल कर दिया, डिजायर मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, फिर वो दोबारा जन्म लेता, उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ अस डिजायर लेके आते हैं, बढ़ाते रहते हैं। आपके परिवार में कोई व्यक्ति नाच रहा था, गा रहा था, हंस रहा था, सो रहा था, चला गया, दुनिया में चला गया, शरीर तो उसका यही रह गया, लेकिन उस व्यक्ति जो गया उसके अंदर कामना थी, क्रोध था, भय था, ईर्ष्या थी, द्वेष था, इच्छाएं थी। तो जैसी इच्छाएं थी वैसा ही उसको माहौल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में इच्छा है सिनेमा जाने की, कौन सी मूवी देखने जाओगे, कौन सी जगह जाओगे, जो आपके लिए बेस्ट कंड्यूसिव है। आपको भूख लगी, खाना खाओगे, कहाँ खाओगे खाना, लाख रुपए फाइव स्टार होटल में भी खर्च कर सकते हो, और पांच रुपए छोले भटूरे भी, पांच रुपए के छोले भटूरे यहाँ गुरुद्वारे में लंगर भी खा सकते हो। कहाँ जाओगे, जो आपके लिए बेस्ट सूटेबल हो। सो प्लीज भगवान को दोष देना बंद कर दीजिए। प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है, वो कर्मफल का वो तराजू है जो बस इंसाफ करता है। तेरे सुख दुख का बटन तेरे हाथ है बंदे, तेरे सुख दुख का बटन तेरे हाथ है बंदे, तो खुद ही ऑन करता है तो खुद ही ऑफ करता है। और भगवान जी ने खुद बोला गीता जी के छठे अध्याय में, एक ही आदमी आपको बर्बाद कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपका मित्र है, एक ही व्यक्ति आपका शत्रु है, और वो कौन है, आप खुद। तो ये ब्लेम करो, हाय किस्मत मेरी खराब है, हाय आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, ये विचार अपने दिमाग से रहे, प्रभु ने हमारी तो किस्मत बड़ी बेकार लिखी है, हमें तो थोक के भाव बनाया, उसको फुर्सत से बनाया, हमें तो प्रभु ने थोक के भाव कन्वेयर बेल्ट में बनाया, प्रोडक्शन लाइन में बनाया, उसको भगवान ने फुर्सत से बनाया। झूठ, झूठ। भगवान आधार है, भगवान बिजली है, बिना बिजली के कोई उपकरण नहीं चलता, लेकिन उससे आप क्या चला रहे हो, उससे बिजली का कोई लेना देना नहीं। भगवान पेट्रोल है, बिना पेट्रोल के कोई गाड़ी नहीं चलती, लेकिन उस गाड़ी से आप एम्बुलेंस बना रहे हो, उससे बैंक रॉबरी कर रहे हो, उससे पेट्रोल का कोई लेना देना नहीं। भगवान कागज की तरह, बिना कागज के कुछ नहीं लिखा जा सकता, उस कागज पे आप गीता लिखो, गाली लिखो, गजल लिखो, कागज से कोई लेना देना नहीं, कागज के बिना कुछ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन कागज का लिखने से कोई लेना देना नहीं। भगवान आपके मोबाइल है, मोबाइल के बिना आप कुछ भी, किसी भी वेबसाइट में नहीं जा सकते, भगवान कंप्यूटर की तरह, बिना कंप्यूटर के कोई भी आप वेबसाइट नहीं देख सकते, लेकिन कौन सी वेबसाइट देख रहे हो उसका कंप्यूटर से कोई लेना देना है। भगवान इस टेलीविजन की तरह है, भगवान इस टेलीविजन की तरह जहां आप देख रहे हो, बिना टीवी के आप कोई चैनल नहीं देख सकते, लेकिन कौन सा चैनल देख रहे हो यह आपकी प्रवृत्ति है। इस समय आप संस्कार देख रहे हो, आपके घर वाले, आपके बच्चे शायद कोई और प्रोग्राम देख रहे हो, आपके पोता पोती कुछ और देख रहे हो, आपके बेटा बेटी कुछ और देख रहे हो, या आपके दादा दादी कुछ और देख रहे हो। क्यों देख रहे हैं वो प्रोग्राम, जैसी प्रवृत्ति है। किसने बनाया ये चैनल, बिना टीवी के कोई चैनल नहीं देखा जा सकता,
लेकिन कौन सा चैनल देख रहे हो उसका उसका टीवी से कोई लेना देना, प्रभु के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, सच है। लेकिन प्रभु का हमारे कर्मों से कुछ लेना देना नहीं। एक ही आदमी आपको बर्बाद कर सकता है, एक ही व्यक्ति आपको आबाद कर सकता है। देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र मुह्यति, धीर आदमी इसलिए परेशान होता है। जैसे आदमी एक शरीर को त्याग के दूसरा शरीर लेता, आगे जाके भगवान जी कपड़ों का उदाहरण देंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिएगा दो तरह की डिजायर्स होती हैं। थोड़ा सा मैं टेक्निकल होता हूँ, हमारी दो तरह की डिजायर्स होती हैं, उन्हें कहते हैं प्रारब्ध वासना और संचित वासना। विषय गहरा, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन यू। दो तरह की डिजायर्स होती हैं, एक होती है प्रारब्ध वासना, एक होती है संचित वासना। प्रारब्ध वासना डिजायर्स वो डिजायर होती हैं जिनमें आपकी कोई चॉइस नहीं होती, प्री ऑर्डेन्ड होती है, फ्री विल नहीं है, पुरुषार्थ नहीं कर सकते। पुरुष संचित वासना वो वासना होती है जिसमें आपके पास चॉइस है, जिसमें आगामी भी आती है। आगामी मीन्स जो अभी आने वाली है। तो दो तरह की जनरल मोटा मोटी दो तरह की डिजायर्स हैं, एक वो जहां आपके पास चॉइस है, एक वो जहां आपके पास चॉइस नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब आप अपने माँ बाप चूज नहीं कर सकते, वो आपका प्रारब्ध। आप इंडियन हो, वो आपका प्रारब्ध। आप चाहे अमेरिका सेटल हो जाओ, रहोगे आप इंडियन ही। आपका प्रारब्ध वो है जहां चॉइस नहीं है, संचित वो है जहां चॉइस है। जानवरों में प्रारब्ध ज्यादा होता है, संचित बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, शेर मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा, गाय मर जाएगी लेकिन कभी मांस नहीं खाएगी। शेर को वृंदावन भी ले जाओगे तो वहां पे भी वो मांस खाएगा, और गाय को इरार भी ले जाओगे तो वो वहां पे भी घास खाएगी। जानवरों के पास कोई चॉइस नहीं है, संचित नहीं है, प्रारब्ध है। आदमी के पास संचित भी है, प्रारब्ध भी है। अब डेथ क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, किस समय होती है, उस पर चर्चा करेंगे हम अगले एपिसोड में। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत।